नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत हेल्दी रेसिपी बनाएंगे, ब्रेकफास्ट की रेसिपी। तो ओट्स से हम इडली बनाएंगे। ओट्स तो आप जानते हैं हमारे लिए कितने हेल्दी है, फाइबर है, और इसमें बहुत सारी हम सब्जियां डालेंगे। तो आइए बनाते हैं इसे। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने एक बाउल ओट्स लिया है। सादा ओट्स है ये, वाइट वाले, आप चाहें तो मसाले वाले भी ले सकते हैं। और सेम बाउल मैंने एक सूजी का लिया है। और सब्जियों में देखिए, बारीक शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी ली है। इन्हें बहुत बारीक काटना है और थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी में लेना है। और ये दही को फेंटकर मैंने एक गिलास छाछ बनाया, तो ये फ्रेश ही ले, ज़्यादा खट्टा ना हो दही। तो एक बाउल में इन्हें हम मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले सूजी डालेंगे और ओट्स डालेंगे, और इसे देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए इसे मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा डाला है। दो चुटकी बस इतना ही डालें आप, बहुत ज़्यादा नहीं, आधी चम्मच छोटी वाली। और सब्जियां डाल देंगे। और जो छाछ हमने बनाई है ये एक गिलास पूरा इसमें डल जाएगा, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अगर ज़रूरत हो और थोड़ा लिक्विड डालने की, तो आप इसमें पानी डालें, बहुत ज़्यादा छाछ ना डालें, दही ज़्यादा ना डालें। तो देखिए, पानी डालकर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, और थोड़ा सा इसे लिक्विड ही रखेंगे हम, क्योंकि थोड़ी देर में सूजी और ओट्स फूल करके इसका सोक कर लेंगे तो बहुत अच्छा बैटर रेडी हो जाएगा। तो देखिए, नमक और काली मिर्च डाली है इसमें मैंने, और ये बैटर 15-20 मिनट रखने पर रेडी हो गया है। अब इसमें हम एक पाउच इनो डाल देंगे, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि इनो हर तरफ अच्छे से मिल जाए। मसाले आप अपने टेस्ट से कुछ और डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बस नमक और काली मिर्च बहुत है इसके लिए। तो देखिए, अच्छे से मिला लिया इसे, और इस तरह से इडली का स्टैंड लेके उसको मैंने ग्रीस कर लिया है। आप ऑयल या घी ज़रूर लगाएं। तो ये देखिए, इस तरह से इडली डाल दी है, और इन्हें हम स्टीम कर लेंगे अब। तो आप बॉईल होने पर पानी, उसके बाद स्टीमिंग स्टार्ट करें। और तो 2-3 मिनट के लिए आप फुल गैस रखिए, उसके बाद आप लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पे 10-15 मिनट कुक करिए, बहुत अच्छी इडली कुक हो जाती है। तो ये देखिए, 15 मिनट में इडली बनकर तैयार हो गई है। तो ये बहुत अच्छी, देखिए कितनी स्पंजी इडली बनी है। आप इन्हें सादा ऐसे भी खा सकते हैं। तो चटनी के साथ इस इडली को खाइए, बहुत अच्छा हेल्दी नो ऑयल ब्रेकफास्ट है ये, ओट्स भी हैं। और देखिए, इसको फ्राई करने के लिए मैंने सब्जियां लिए, गाजर है, प्याज है, शिमला मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी, इन्हें बारीक बारीक और लंबा काट लिया है। आप सब्जियां अपने टेस्ट से अलग भी ले सकते हैं और साइज़ भी छोटा काट सकते हैं। तो एक कढ़ाई में देखिए, हम तेल गरम करेंगे, और तेल अच्छे से गर्म होने पर उसमें हम प्याज डालेंगे, और हमें गैस को हाई फ्लेम पर रखना है, कम नहीं करना है। थोड़ा सा प्याज कुक होते हम गाजर डाल देंगे, गाजर को भी हम थोड़ा सा कुक करेंगे, एक एक करके सब्जियां डालेंगे, एक साथ सारी सब्जियां नहीं डालेंगे। अब पत्ता गोभी और टमाटर डाल देंगे, और इन्हें मिला लेंगे, और सिर्फ 2-3 मिनट कुक करेंगे, क्योंकि सब्जियां हमें हाफ कुक करनी है, फुल कुक नहीं करनी है। शिमला मिर्च सबसे लास्ट में डालेंगे, क्योंकि जल्दी डालने पर इसका कलर बदल जाता है और इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाती है। तो देखिए, नमक डालेंगे, काली मिर्च डाली है, और चिली फ्लेक्स डाले हैं, बस ये 3 ही मसाले पड़ेंगे। और थोड़ा सा सोया सॉस लेंगे, थोड़ा सा रेड चिली सॉस, और बहुत थोड़ा विनेगर। इन सबको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए कितना कलरफुल बना है, इतनी सब्जियां, इतना हेल्दी है। तो यहीं पर हमने जो इडली बनाई थी उसको काट लिया है और इसमें डाल देंगे। तो देखिए कितना हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार है, सब्जियाँ हैं, ओट्स हैं, और फटाफट बन गया है। तो इस तरह से आप ये ओट्स की सादा इडली बनाइए या फ्राइड इडली बनाइए।